प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कोविड वैक्सीन लेने आए हुए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुलदेव चौधरी ने कहा कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में विभिन्न संगठनों द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिनिया में कोविड वैक्सीन लेने आए लोगों को आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे साबित होता है कि यहां के लोग कितने जागरूक हैं और स्वास्थ्य के प्रति सजग भी हैं। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी से पिछले वर्ष जो परेशानियों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम सभी को सावधानी बरतनी पड़ेगी। बार बार साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाकर रहना जैसे छोटे छोटे प्रयोग से कोरोना संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। इस महामारी से निपटने के लिए चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े स्वास्थ्य कर्मी, शासन प्रशासन के लोग काफी गंभीर हैं, लेकिन आप ग्रामीणों की सहभागिता सबसे जरूरी है क्योंकि आपसी तालमेल से हम बड़े से बड़े बीमारी को मात दे सकते हैं। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के समय जो सहयोग प्राप्त हुआ था उसके लिए प्रशासन कोटि कोटि धन्यवाद देती है। इस बार भी सभी किसी अफवाह में न पकड़कर स्वास्थ्य का ख्याल रखें, साथ ही सरकार का जो भी आदेश आए उसे गंभीरता पूर्वक अनुपालन करें। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का खौफ फैला हुआ है, ऐसे में जरूरी है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है हम अपने स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक हो जाएं, ताकि इस महामारी से जल्द निजात पाई जा सके। यही वजह है कि इसका महत्व और बढ़ गया है कि दुनिया के हर नागरिक की अपनी भूमिका निभानी होगी। मौके पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जद अंसारी, डॉक्टर अशोक कुमार, फार्मासिस्ट वेंकटेश्वर नारायण, ANM सुमन खेश, MPW लाल मोहम्मद अंसारी, BTT पिंकी कुमारी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिनिया के प्रांगण में कोविड वैक्सीन के लिए लोग आए हुए थे, उनके बीच कुछ बोलने का अवसर मिला और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का भी अवसर मिला है। सरकार के आदेशानुसार कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का मना था, इसके बावजूद भी बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं करते हुए जो लोग हमारे बीच आए हुए थे उनको जितना संभव हो सका स्वास्थ्य के प्रति लोगों को समझाया गया है। और जैसा कि अभी कोरोना महामारी का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसके बारे में भी लोगों को बताया गया है कि जो पिछले बार कठिनाइयां और जो परेशानियों का सामना करना पड़ा था वो उसकी पुनरावृत्ति न हो, उसका भी ख्याल रखना है। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, हाथ को साबुन से धोना है, मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं।